सुप्रभात बच्चों, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संस्कृत में उपसर्ग कक्षा 8 के लिए। अष्टम कक्षा में उपसर्ग जो है वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो उपसर्ग क्या है, क्या होता है? उपसर्ग पदों के पहले लगकर पदों के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कोई सा भी शब्द है उसके पहले लग जाता है तो क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और इससे क्या हो जाएगा, यदि आप उपसर्ग को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी जो शब्द निर्माण प्रक्रिया है वह क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक शब्द है गच्छति। गच्छति मीन्स जाता है। अब इस गच्छति में हम क्या करेंगे, कुछ उपसर्ग जोड़ के देखेंगे, जैसे आ, अनु, प्रति, अव, नी। तो ये उपसर्ग लगाने से क्या फर्क पड़ता है, हम देखते हैं। आ जमा गच्छति, आ गच्छति, आ गच्छति मीन्स आता है, जबकि हमने क्या देखा, गच्छति मीन्स जाता है। अनु जमा गच्छति मतलब अनुगच्छति, अनुगच्छति मतलब पीछे पीछे आता है, पीछे आता है, ठीक है। अब क्या है, प्रति प्लस आगच्छति, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति मीन्स लौट कर आता है। अव प्लस गच्छति, अवगच्छति मतलब समझता है। निह जोड़ गच्छति, निर्गच्छति मतलब निकलता है। तो हमने देखा कि ये जो आ, अनु, प्रति, अव और निह उपसर्ग है, एक ही शब्द गच्छति में लगकर इसके अर्थ में क्या करा, बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो आपने क्या करना है, यदि संस्कृत सीखनी है आपको, यदि संस्कृत आपको समझना है, तो आपने क्या करना है, उपसर्ग को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं आपके सामने कुछ और शब्दों को लेकर आ रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ कि कैसे एक शब्द को याद करने से, यदि आपको उस उपसर्ग पता है तो आप देखेंगे कितने सारे नए शब्द निर्माण आप सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, आपका जो सेकेंड है, जो दूसरा है, द्वितीय जो आपको शब्द है वह भवति। भवति मीन्स क्या होता है, होता है। भवति मीन्स होता है, भवति का अर्थ होता है, होता है। तो अब हम देखते हैं कि भवति में यदि हम कुछ उपसर्ग लगाते हैं तो उसके अर्थ किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है बेटा, प्र, हमने प्र उपसर्ग लगाया, प्रभवति मतलब प्र प्लस भवति इज इक्वल टू प्रभवति, जिसका मतलब क्या होता है, निकलता है। अब देखिए फिर हमने यहाँ पे क्या करा, प्र की जगह अनु लगा, अनु प्लस भवति, अनुभवति मतलब महसूस करता है या अनुभव करता है। शम प्लस भवति, शम भवति मतलब संभव है, ठीक है बेटा। हम देखते हैं करोति, हमारा तीसरा शब्द है करोति। करोति मीन्स करता है। अब इसके पहले हमने अनु उपसर्ग लगाया, तो अनु प्लस करोति मीन्स क्या होता है, अनुकरण करता है मतलब नकल करता है, अनुकरण करता है, ठीक है। उसके बाद चौथा शब्द हमारा तिष्ठते, तिष्ठते मीन्स रुकता है या ठहरता है। अब देखिए उसके पहले हमने उत उपसर्ग लगाया, तो क्या हो जाएगा, उत्तिष्ठते, उत्तिष्ठते मीन्स उठता है। ऐसे ही है अनु प्लस तिष्ठते, अनुतिष्ठते मतलब पश्चात बैठता है, किसी के बाद बैठता है, उसे हम क्या कहते हैं, या पीछे बैठता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुतिष्ठते। अब देखिए अगला शब्द है हमारा, जो पाँचवा शब्द है वह है हरति। हरति मीन्स हरण करता है। अब देखिए इसमें उपसर्ग है प्र, प्र जोर हरति, प्र जमा हरति, प्रहरति मतलब प्रहार करता है। वी प्लस हरति क्या है, विहरति, विहरति मीन्स घूमता है, विचरण करता है। जैसे आपने संस्कृत में बहुत बार विचरण शब्द सुना, सो मतलब घूमना। अब है परि प्लस हरति, परि हरति मतलब छोड़ता है, परिहार्य करता है अर्थात छोड़ देता है, तो उसे क्या हो गया, परिहरति। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारे उपसर्ग हैं बेटा, वो उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं। तो उपसर्ग तो कुल जो है वह 22 प्रकार के होते हैं। अब उस 22 प्रकार के उपसर्ग को हमें क्या करना है बेटा, अलग अलग पढ़ना है, उसके अर्थ क्या होता है और कैसे उसको ऐड करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए मैं उसके साथ में हिंदी शब्द, हिंदी अर्थ भी दूंगा संस्कृत के उपसर्ग का, ताकि आपको शब्दों को जोड़ने में समस्या ना हो। यदि फिर भी आप किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे और मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं उपसर्ग होते कितने हैं कुल।
तो देखिए संस्कृत में कुल जो होते हैं वह कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम आपको सारे उपसर्ग लिख के और उसके अर्थ क्या होते हैं मैं आपको देता हूँ, ठीक है। प्र का मतलब क्या होता है, प्र एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अधिक या प्रारंभ करना। परा मीन्स उल्टा या पीछे। अप दूर, जैसे हम देखिए ऐसे शब्द को हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पराभव, भव मीन्स क्या होता है, जीतना, तो जीतने का उल्टा क्या हो जाएगा, पराभव। पराभव मीन्स हारना, ठीक है। वैसे अप मीन्स दूर, अपमान, मान मीन्स जिसको सम्मान मिलता है, अप मतलब दूर, जिसको सम्मान से दूर हो, जिसे सम्मान नहीं मिलता तो क्या होता है, अपमान। तो ये शब्दों को आप इसे क्या कर सकते हैं, नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। शम मतलब अच्छी तरह से, अनु पीछे, अव नीचे, निस निकलना या बाहर होना, निर बाहर, निर जैसे आप कहते हैं निर्गमन, मतलब क्या होता है कि बाहर निकलना, गमन मीन्स निकलना जाना। तो वैसे हम देखते हैं लगाने से देखते क्या है, दुष मीन्स कठिन, ठीक है। दुर मतलब बुरा, जैसे दुर्व्यवहार, व्यवहार से पहले हमने क्या लगा, दुर लगा था, क्या होगा, दुर्व्यवहार हो गया, क्या हो गया। वैसे क्या है, बिना, अलग या विशेष। आंग, आंग मीन्स तक, चारों ओर या कम। नी मतलब नीचे, अधि मतलब ऊपर या अधीन, यहाँ कौन आना चाहिए, ऊपर या अधीन। अपि मीन्स भी या निकट। अति मीन्स बहुत, जैसे हम कहते हैं अति सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। सु मीन्स सुंदर या अच्छा। उद मीन्स ऊपर। अभि मीन्स ओर। प्रति मीन्स ओर या उल्टा। परि मीन्स चारों ओर, जैसे आप कहते हैं परिमाप, मतलब चारों ओर का माप, दैट इज परिमाप। उप मीन्स निकट। तो आपने क्या करना है, तो इन शब्दों के माध्यम से खुद से कुछ शब्द बनाकर देखने हैं, फिर आप देखना है कि उनमें यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछना है। तो बेटा हम आपका ये उपसर्ग चैप्टर, जो आपका पार्ट है उपसर्ग, उसे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और फिर हम नए पार्ट लेकर के आएंगे जो किसका होगा, प्रत्यय का होगा, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे मैसेज बॉक्स में जो रिप्लाई करेंगे कि आपको यह कैसा लगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।